गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज संडे है, 17 दिसंबर है। आज कुछ न्यू होने वाला है, तो मैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज मैं ऑन द स्टेज जाने वाली हूँ। वो आगे आपको वीडियोस में पता लगेगा। मैं सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी, सारा सब कुछ शेयर करूँगी। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी मे भी 6 o'clock हो गई है। मैं 5:30 पे उठ गई थी, तो अब मैं नहाने जा रही हूँ। नहा के मैं यही वियर करूँगी, बिकॉज मुझे मंदिर जाना है। मंदिर से आकर फिर मैं साड़ी वियर करूँगी। हाँ, देखना आप बताना कि कैसे लग रही है, और वहाँ का जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपका सपोर्ट और आपका प्यार बहुत ज़रूरी है, तो ऐसी चीज़ों के लिए मैं ब्लॉग बनाना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज मेरे लिए मेमोरीज रह जाती हैं। फ़ोन में भी इतनी मेमोरीज नहीं होती, तो यूट्यूब पे ये सब सेव रह जाता है। सो इसलिए छोटा सा ब्लॉग बनाऊँगी, और उस ब्लॉग को प्यार जरूर दीजिएगा। उस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और बताइएगा कि यहाँ क्या मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। मुझे भी नहीं पता वहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, वहाँ पर जाके पता लगेगा क्या है क्या नहीं। सो आप बने रहिएगा। अभी हम नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर उसके साथ छोटी छोटी चीज़ें आपको शेयर करते रहूँगी। अब मैं नहा के आ गई हूँ। एक्चुअली मैं मंदिर के लिए रेडी हूँ, मैंने यही वियर किया है। अब मैं तुलसी मैया पे, आज संडे है, संडे को जोत नहीं जगाते, बस जाप करके मैं मंदिर के लिए निकल जाऊँगी। मैंने एक्चुअली अपने बालों को हाफ क्लच कर लिया, मैंने ड्रेसिंग भी कराई है, बिकॉज मैंने बाल बहुत कर लिया। सो इसलिए बताओ कैसे लग रही है। हल्का सा टाइट कर लिया मैंने इन्हें, क्योंकि मंदिर में कहते हैं ओपन करके नहीं जाना चाहिए, बट मैंने तो कर ही रखे हैं, पूजा ओपन करके नहीं की जाती है। फिर वैसे तो मैं कैप वेयर कर लेती हूँ, जिस दिन हेड वॉश करती हूँ, बट आज मैं वॉश कैप पहनूँगी तो ये सब बिगड़ जाएंगे। सो इसलिए मैंने कहा चलो हाफ टाई कर लेते हैं। चलो अब मंदिर से होके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अब मैं मंदिर से आ गई हूँ। आज मैंने बनाई है चावल की परांठी बटर मिर्च चाय। अब हम कर रहे हैं नाश्ता। अभी नाश्ता करके हम थोड़ी देर में रेडी होएंगे, सिर्फ बर्तन धो के। अब मैं फिर साड़ी पहनूंगी, फिर आपके साथ मिलूंगी। अभी नाश्ता करते हैं। हेलो, अगेन हम आ गए। अब मैं एक्चुअली साड़ी मैं बाद में वेयर करूंगी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि कौन सी साड़ी है। अभी मैंने फ़िलहाल मेकअप स्टार्ट कर दिया है। मैंने ये तिलक, ये तो मतलब ऐसा लगता है कि प्रभु साथ हैं, ये तिलक लगा के तो कि हाँ ये तिलक मैं कभी नहीं रब करूँगी इसे। और मेरा मेकअप का पूरा सेटअप रेडी है, मैं मेकअप करूँगी अब स्टार्ट। जो मेकअप का जो भी होगा आपके साथ वीडियो को शेयर करूँगी, ठीक है, बने रहिएगा वीडियो में। और जल्दी जल्दी में मेकअप होगा, बिकॉज टाइम भी हो गया है, 9:45 बज चुके हैं इस टाइम पे, और 10:30 बजे हमें वहाँ पहुँचना है, तो टाइम लग जाएगा रेडी होने में। इसलिए मैं जल्दी मेकअप करूँगी, तो मैं सब कुछ हाईलाइट नहीं कर पाऊँगी कि क्या 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 मैं कर रही हूँ, बट मैं मेकअप दिखाऊँगी कि हाँ मेकअप कैसा हुआ, कैसे क्या किया, ठीक है, बने रहिएगा। Okay.
मैं तो पानी मिल रहा हूँ, मिला एक शॉपर्स, ये मुझे मिलता ही नहीं। मुझे अच्छी 1.4 पेज मिली थी। हाय राम, इतनी धूम हो गई। ये बता, सारा कार्ड कर देना। अरे कक्का लेके दिव्य मंगी गए, दिव्य मंगी हो करिया से चाय खाना खा। तो पानी में नहीं तो मैं ना यूं करिया पहन ले ना। अरे कक्का लेके दिव्य मंगी ना मैं ना पीते। दिखाइए दिखाइए दिखाइए, नाक पे लग गया है, आइस के ऊपर भी लग गया। साफ करने पर बाहर पीछे जल्दी कर, जल्दी जल्दी सब खाइए। देखो कक्का लेके दिव्य मंगी। आई हैव अ आईफोन जो डाक की शेरियां होती है ना, वहां पर पुटअप किया जाता है। तो आपको पूरा फेस ही डाक की शेरी। फाउंडेशन Now I am applying foundation. इतना मोटा मोटा जो मैं गोरी हो जाऊंगी जिससे। मैं वैसे गोरी नहीं हूँ। नहीं, मैं गोरी ही हूँ। ये तो ब्यूटी जो होती है ना, मेक एक लेडीज के लिए वो हमारी ब्यूटी को इनहांस कर देता है मेकअप। ब्यूटी क्या थी, मेकअप जो होता है लेडीज के लिए एक उनकी ब्यूटी में उनके जो हमें जो मेकअप हमें चेंज कर दे, हमारी ब्यूटी को चेंज कर दे, वो मेकअप नहीं होता, वो फ्रॉड होता है। इसलिए अपने आप को हमेशा ऐसा ही रखना चाहिए जैसे हम हैं। मम्मी आप चेंज नहीं होना चाहिए खुद को। आप ये लगा के बता क्या लग रहे हो? हाँ, क्या लग रहे? गोरी बिल्ली। मैं तो कह रही हूँ मेकअप जो होता है ना ब्यूटी को इनहांस करता है। ब्यूटी मीन्स गंदे लग रहे हैं। रियलिटी में आप ये तो गंदे लग रहे हो। रियलिटी में गंदी लग रही हूँ? हाँ, फोन में तो फिर भी थोड़ा सा ठीक हो रहा है। अच्छा, रियलिटी में गंदी लग रही हूँ। हाँ। जब पूरा हो जाएगा फिर देखो। हाँ दिखा, क्या है? देखो देखो देखो, ऐसा लग रहा है साबुन से मुंह साफ कर रहे। अभी पूरा स्किन ऑब्जर्व कर लेती है, स्किन अपने अंदर सारा कुछ। अभी तो गंदे लग रहे हो ना, वो स्किन ऑब्जर्व कर लेगी। हमारी आवाज भी नहीं आएगी। आएगी नहीं, हम बोल तो सकते हैं, खुद तो वो कर ले। अब डाल देना हमारी आवाज भी, है ना? सच कि लेडीज की जो मेकअप होता है उनकी ब्यूटी को इनहांस करता है। इनहांस का मींस कि उनको मतलब कि ब्यूटी को निखार के दिखाता है। और जो मतलब जो मेकअप हमारा नक्शा ही चेंज कर दे, शक्ल ही चेंज कर दे, वो मेकअप मेकअप नहीं है, वो फ्रॉड है, फ्रॉड। इसलिए जैसे है वैसे दिखाओ। हाँ, इनहांस करो। आप क्या कर रहे हो? मैं तो वैसे ही फ्रॉड कर रही हूँ। नेचुरली नेचुरली सुंदर हूँ मैं। नहीं, ये फ्रॉड कर रहे हैं। नहीं, मैं तो नेचुरली सुंदर हूँ। किसी से तोलिया दे दे, पापा को बंद कर दे, जा तोलिया दे। आवाज़ डाल दे मैं। हाँ हाँ, जा, अच्छी लगेंगे थोड़ा। हेलो, देखो मैंने कौन से जूते डाले हैं, कितने सुंदर है। इसलिए क्या करना चाहिए लेडीज को, मेकअप नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, मेकअप इनहांस करता है ब्यूटी को। मेकअप करना चाहिए बट अपने आप को चेंज कभी नहीं कर देना चाहिए, अपना नक्शा कभी नहीं चेंज करना। आज इट इज, आप जैसे हो वैसे दिखाओ। जिसने पसंद करना होगा वो ऐसे पसंद करेगा, जिसने नहीं करना होगा वो नहीं करेगा। हाँ, ब्यूटी को इनहांस जरूर करता है वो। रियलिटी अपनी वही रखो। नहीं, अब डीजे ही बन जाता तो। नहीं, मैं अच्छी एंकरिंग कर सकती हूँ, है ना? मैं अच्छा बोल सकती हूँ। अभी हमने पहना हुआ नाइट सूट। नहीं, मैंने नहीं, मम्मी ने इन्होंने क्या होता है? आप मेरी दीदी हो। बड़ी बहन। बड़ी बहन, बड़ी बहन आए बड़े। क्योंकि मैं कभी ऐसे रियलाइज ही नहीं कराती कि मैं मम्मा हूँ। हाँ, जब गुस्सा आता तब बोलती हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर काव्या तू कर सकती है और नहीं करती, तो मुझे गुस्सा आता, फिर मैं बोलती हूँ। हमें लाइफ में अपना सब कुछ अच्छा देना चाहिए, गुड देना चाहिए। प्रभु ने हमें जिंदगी दान दी है, दान दी है, मतलब एक दान दी है कि तुम कुछ करके दिखाओ। ब्लश कम है बहुत। ब्लश कम है, ब्लश करूं? कोई आपकी बात को नोटिस भी नहीं कर रहा होगा। क्यों? सारे इस वीडियो को ऐसे कर देंगे, लेक्चर देना स्टार्ट कर देते हैं।
तो मैं लेक्चरर बन सकती हूँ ना। ओके ना फाइन, ज़्यादा तो नहीं हो गया अब। जैसे वो तनिष्का दीदी ने क्या रखा था गुड्डी दीदी की वेडिंग पे? किसने क्या रखा था? उनकी फ्रेंड ने। अच्छा हाँ हाँ, उसको तो बड़ी सुंदर लग रही थी है ना, रिलेटिव में बड़ी सुंदर लग रही थी वो, क्यूट सी लग रही थी वो तो बहुत ही। कहीं कहीं लड़कियाँ ना बड़ी अट्रैक्ट हो जाती कर देती हैं, वो बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी वो। उनका मेकअप भी नहीं किया था। हाँ, बट पर बड़ी प्यारी लग रही थी। ड्रेस ली थी, ब्रश लगा लिया था बस। तभी तो मैं कहती हूँ अपने आप को ऐसा रखो। मगर अगर उसका ब्लश भी नहीं लगाया था उसके नेचुरल होते ही ऐसे होंगे। क्योंकि देखो वहाँ पर जो मैंने करना है वो तो मेन रोल हो गया ना, सो इसलिए मेकअप तो नीड है ना वहाँ पर करने की। तो मतलब आपके ऑडियंस को पता है कि आप कहाँ जा रहे हो? नहीं पता। जब आपने बता ही दिया पूरा बैडेटा दे ही दिया कि मैं एंग्रिंग करने जा रही हूँ। मैंने कब बोला? आपने बोला लगा रही नहीं आती आपको इतने दिनों से। हाँ मुझे लिपस्टिक नहीं आता, ऐसे लगा रहे थे। चुप रहे। मैं आपको दिखाई नहीं रही हूँ, मैं सब अपने आपको दिखा रही हूँ। हेलो, ये यहाँ पर भी ताने मारने शुरू कर देंगे। चुप रह। हमारा मेकअप हो चुका है डन, अब हम पहनेंगे साड़ी। क्या पहनेंगे अब हम? बोलो साड़ी। अब हम पहनेंगे साड़ी। इनकी लिपस्टिक ही नहीं लग रही। मैं तो कब से तैयार हूँ। चलो रुको डैडी, डैडी मम्मी सही बताओ ना, बहुत गंदे लग रहे हो। देख लिपस्टिक देख, आपका ये मेकअप अच्छा नहीं लग रहा। अरे जब ड्रेस पहनूंगी तो अच्छा लगेगा, वैसे देख लिपस्टिक और सब ओके है। हाँ ओके है ना, कमी पेशी रहेगी उस टाइम करूंगी। इसको बंद कर, मेरे कपड़े चेंज करने हैं। पहनेंगे साड़ी, हमारी साड़ी पर्पल कलर की है, ये रही हमारी साड़ी। दिखा अमीर को, दिखा मैं बोलती। नाउ आई एम वेयरिंग दिस साड़ी। साड़ी हम ये भी साड़ी पहनूंगी तो पूरा लुक आपको दिखाती हूँ अभी पहन के। कल को फोन कर जरा। अब मैं होगी रेडी, मैंने साड़ी भी वेयर कर ली, मेरा मेकअप भी तैयार है और हम भी तैयार हैं। और हम भी तैयार हैं, हम सारे तैयार हैं। टाइम हो चुका है, टाइम हो चुका है 10:45। अभी तक हम निकले नहीं हैं, अभी हम फोटोशूट वगैरह वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं। एक्चुअली जो भी होएगा वहाँ पर जैसा भी होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल तो मस्ती कर ले जब तक टाइम कैब नहीं आती। एक्चुअली कैब बुक करके डोरी भाभी ने, तो उस कैब पे हम जाएंगे। मैं डोरी भाभी से भी मिलवाऊंगी, उनकी बेटी से भी मिलवाऊंगी आपको, और वहाँ पर जो जो मस्ती करेंगे वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। फोन हिल नहीं रहा होगा, अच्छी बात है ना। एक्चुअली हम तो लेट हो गए थे 12 बजे पहुँचे, तो मुझे कुछ फोटोज़ वीडियोज़ का टाइम नहीं मिला। मैंने ऑन द स्टेज ही ये वीडियो बनाई और इतना सुंदर ये बैंक्वेट हॉल था, बहुत ही सुंदर जन्नत बैंक्वेट हॉल था। सामने मैं आ गई और उसके बाद अभी गणेश वंदना की स्टार्टिंग हो रही है। अभी मतलब सेटअप हो रहा था, अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो सबसे पहले गणेश वंदना आई। मेरे लिए तो सबसे बड़ा मोमेंट यही था कि मैं इतने सारी पब्लिक में ऑन द स्टेज पर हूँ।
दैट्स इट 1000 से भी प्लस मेंबर्स थे और मैं ऑन द स्टेज थी। मतलब कि आप किसी के भी हाथ पर काट जाएंगे ऑन द स्टेज आते हुए, बट मैं नहीं घबराई। लिटरली स्टार्टिंग में जब मैंने अपना इंट्रो दिया तो थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन हुआ, उसके बाद सर ने, वैसे मोस्टली सारा सर ने ही संभाला था, बट मैं बीच बीच में, बट मेरा एकदम हेजिटेशन ख़त्म हो गई थी। मैं चाहती थी कि मेरी एक हेजिटेशन ख़त्म हो जाए। बाकी मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, आप सुनिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एकता करनाल ब्रांच से आप सबका अभिनंदन करती हूँ, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हर दिन आता है एक याद लेकर, हर दिन जाता है एक याद लेकर, और आज का दिन आया है हम सबको साथ लेकर। तो इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और इसको यादगार बनाते हैं हम सब आपस में मिलकर। जोरदार तालियों से टाटा सफारी वालों का स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों साथियों, जोरदार। बड़ा नहीं कोई भी लक्ष्य, इंसान के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही है जो लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं। हारा वही है जो लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं। अभी मैं इस टाइम पे बिल्कुल फ्रेंक हो चुकी थी कि मैं चाहती थी कि मैं बोलूं, मैं ये सब चाहती थी कि मैं बोलूं। बड़े जज्बात और जरूरी बंदा राजू बंदा बने जी, जोरदार ताली के लिए। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया मेरे लिए ये सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। और मैं, मतलब कि मेरी लाइफ में मेरा जो एक गोल है, मैं ऐसे ही ऑन द, मतलब कि एक हाईलाइट प्रोफाइल पे रहना चाहती हूँ और यही मेरा एम है। और डेफिनेटली मुझे पता है आई कैन अचीव दिस, और ये एक दिन होगा ऐसा, क्योंकि मेरे साथ मेरे भोले बाबा हैं और उनका आशीर्वाद है, आशीर्वाद उनका हाथ मेरे सर के ऊपर है। इसलिए मुझे विश्वास है कि जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा। बाकी जो वो चाहेंगे वही होगा। हम कौन होते हैं चाहने वाले। मैं सर से फर्स्ट टाइम मिली हूँ और ये बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के, लीनियंट नेचर के इंसान है। देखिए लेडीज़ वहाँ जहाँ वहाँ कंफर्ट जोन करती है, वहाँ जहाँ उन्हें फील होता है कि ये, कि हाँ नहीं ठीक है, इनके साथ अच्छे हैं, तो वहाँ पर रिलैक्स फील करती है। और सच में वो लीनियंट इंसान, यहाँ पर एक्चुअली जो इन्होंने बताया था मुझे, डोली भाभी ने बताया था, वो इस कंपनी को ज्वाइन कर रही हैं और उन्होंने यहाँ से स्विफ्ट डिज़ायर अचीव की है, तो उनके लिए भी बड़ी ये अचीवमेंट थी और मेरे लिए भी शायद भाभी के साथ ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ना, ये बॉडी गार्ड आके पीछे पीछे घूर घूर के देखते थे। लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा कि ऐसे घूर घूर के देख रहे थे। मुझे हेजिटेट फील होता था। राहुल वर्मा जी, बहुत
इवेंट हो गया फिनिश। मेरे लिए बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस था। और इसके बाद कुछ म्यूज़िक हुआ, डांस हुआ, सब ने किया। हम इतना टायर्ड फील कर रहे थे, हम कर नहीं पाए। बाकी इंजॉय किया हमने। सर ने हमें मुझे ऑनर भी किया, बाय कैश ऑनर किया। ऑन द स्टेज तो नहीं हो पाया, बट उन्होंने लिटरली बाय कैश किया मुझे। सच में आज इतना थक गए, बीच में व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। एक्चुअली 8 बज चुके हैं इस टाइम पे, 7:30 बजे हम घर पहुँचे हैं। आके मैंने सबसे पहले कपड़े चेंज किए, मुझे ठंड लग रही थी। बट जो भी वहाँ का एक्सपीरियंस रहा, मैं आपको व्लॉग में सारा शेयर करूँगी। बट इस टाइम तक तो मेरी एनर्जी लेस हो गई, बिकॉज मैं 5:30 बजे की उठी हुई हूँ। इस टाइम मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। मैंने आते ही सबसे पहले नाइट सूट चेंज कर लिया, सबसे पहले नाइट सूट चेंज किया। मुझे बहुत ठंड लग रही थी, बहुत ठंड। मैं एक्चुअली हेडेक हो रहा है, इतना हेडेक हो रहा है। बस अब तो मैं फ़ोन रखूँगी, एक आधी फोटोज या वीडियो लगाऊँगी, उसके बाद सो जाऊँगी। चलो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग को फिनिश करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग भी किसी ना किसी के ऊपर तो आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो ज़रूर पहुँच जाऊँगी। मेरे साथ भोले बाबा है और उनकी दुआएँ हैं और आप सबका प्यार है। ऐसे ही प्यार देते रहिए। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।